हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, विजुअल स्टूडियो कोड पर एचटीएमएल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है विजुअल स्टूडियो कोड पर एचटीएमएल को प्रोग्राम जो होता है एचटीएमएल का उसको रन कराने के बारे में। तो ये देखते हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड पर ये प्रोग्राम कैसे रन कराया जाएगा और क्या क्या होंगी इसमें चीजें। तो यहाँ से चलेंगे और यहाँ पे वीएस कोड हम टाइप करेंगे, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो इस पर क्लिक कर देना है हमको। और जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक डिफॉल्ट पेज मेरे पास ओपन हो गया। अगर आप न्यू फाइल लेना चाहें तो यहाँ से जा करके और यहाँ पर टेक्स्ट फाइल पे जाएंगे और यहाँ पर ये न्यू फाइल आपके सामने आ जाती है। अब आपको यहाँ पर कोडिंग जो है करनी है, ठीक है। तो कोडिंग कैसे करनी है उसको देखते हैं। ये टेक्स्ट फाइल ही है हमारी, तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ एचटीएमएल से स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ हेड पोर्शन आएगा और हेड के बाद क्या आता है, टाइटल आता है। तो फिर यहाँ पर एंटर करके नीचे टाइटल भी दे देंगे। तो यहाँ पर टाइटल में मैं कुछ भी टाइप नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, ऐसे ही छोड़ते हैं टाइटल को। और यहाँ पर टीआईटीएलई टाइटल लिख दिया हमने। और टाइटल लिखने के बाद फिर एंटर करके यहाँ पे हेड को क्लोज करके यहाँ पे बैकग्राउंड कलर प्रिंट करा लेते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ बॉडी और यहाँ पे लिखूंगा बीजी कलर और इज इक्वल टू जो भी कलर देंगे वो कलर यहाँ पे प्रिंट होता वो नजर आएगा आपको। ये ग्रीन हो गया तो ग्रीन कलर दे दिया हमने और एंटर करके आएंगे। और यहाँ पे चाहे तो कुछ टाइप कर सकते हैं आप, जो भी लिखा हुआ देंगे वो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ H1 लगा लेते हैं हम और यहाँ पे हेलो HTML दे देते हैं, हेलो HTML। तो ये हेलो HTML दे दिया और यहाँ बॉडी को क्लोज कर दीजिए तो ये बॉडी क्लोज हो जाएगा। और क्लोज होने के बाद जैसे ही नीचे आते हैं तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये H1 देखिए यहाँ पे H1 क्लोज होने से रह गया, तो H1 को भी यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो ये H1 क्लोज हो गया, देन बॉडी क्लोज हो गया, अब HTML को भी क्लोज कर देते हैं। तो जब इसको रन कराना होता है तो हम क्या करते हैं, हम जो है यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं। ये देखिए किस तरीके से राइट क्लिक करना है आपको। यहाँ पर इसे हमने कोई नाम तो दिया नहीं है, तो पहले तो इसको सेव करना होगा। तो यहाँ से जाके इसको सेव करेंगे, तो यहाँ से इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव करूंगा। तो ये क्लिक किया हमने और ये देखिए यहाँ पर ये आ रहा है। तो इसे जो है हम डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं, डेस्कटॉप पर कहाँ सेव कर रहे हैं, डेस्कटॉप पर। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए यहाँ पर अलग अलग चीजें आपको दिखाई देंगी, लेकिन हमें जाना है डेस्कटॉप पर। ये डेस्कटॉप पे जाए और इसको कोई भी नाम दे दीजिएगा, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ htdot htm। htm भी एक्सटेंशन दे सकते हैं, .html भी दे सकते हैं, दोनों दे सकते हैं। या यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे एक्सटेंशन आपको दिखेंगे, तो इसमें आपको HTML चूज करना है। ये देखिए ये HTML, JSP, ASP ये जो दिया है ना, ये सब आपको चूज कर लेना है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पर ये जो दिया है ना इसको, ठीक है। तो इस पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर ओके कर दीजिएगा। और ओके करने के बाद आप इस पर जा करके राइट क्लिक करके और यहाँ पर ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर करिएगा। जैसे डिफॉल्ट ब्राउजर में आप इसे ओपन करेंगे तो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा और इस तरीके का आउटपुट आएगा, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी आपके साथ ऐसा नहीं होता है, आपका यहाँ पर क्लिक करके ओपन ब्राउजर ऑप्शन ना आए या रन ना हो, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको मिलता है एक्सटेंशन। तो इस एक्सटेंशन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर दीजिएगा ओपन ब्राउजर, क्या देना है ओपन ब्राउजर। तो जैसे ही ओपन टाइप करेंगे तो ब्राउजर नीचे आ जाएगा, तो ओपन इन ब्राउजर पे क्लिक करके और इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। देखिए मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ इनेबल डिसेबल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा और इंस्टॉल करने के बाद आप आसानी के साथ ये काम कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर भी आ रहा है ओपन इन ब्राउजर, तो अगर मैं इसे क्रोम वाला इंस्टॉल कर लेता हूँ तो क्रोम वाला भी मेरे पास ब्राउजर आ जाएगा। तो ये देखिए अब ये फिर यहाँ पे डिसेबल आने लगा, क्योंकि इंस्टॉल कर लिया तो इसलिए डिसेबल आने लगा, ठीक है। तो अब ये हो गया है और इस तरीके से आपको विजुअल स्टूडियो कोड के प्रोग्राम को रन कराना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पर जैसे ही जाते हैं ना, तो फिर वही कि यहाँ पर जाके राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ओपन इन ब्राउजर आ रहा है ना, यहाँ पे देखिए ये अलग अलग ब्राउजर्स हैं, तो जिसमें भी आप रन कराना चाहें। तो देखिए इस बार क्रोम में रन कराया तो ये क्रोम में भी रन हो गया। तो इस तरीके से आपको विजुअल स्टूडियो कोड पर इस प्रोग्राम को रन कराना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।